हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सिंग मच्छी झोल। ये फिश बहुत ही टेस्टी है और इसका न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। तो हम इसे बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे, तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। फिश को छोटे छोटे पीसेस करके काट के धो लिया। देखिए, इसके अंडा भी निकला है और इसे हमें अभी नमक और हल्दी मिला के 10 मिनट रख देंगे। हमने इस फिश करी को आलू और कच्चा केला के साथ बनाएंगे। तो कच्चा केला को काट के हमने 10 मिनट पानी में भिगा के रखेंगे ताकि इसका स्टार्च निकल जाए, नहीं तो सब्जी काला पड़ जाता है। मैंने कढ़ाई गर्म करने के लिए रखा। अब हम इसमें सरसों का तेल डाला, तेल डाल के थोड़ा सा फैला दिया। फैला देने के बाद हम एक एक करके इसमें सारे फिश डालेंगे। अब जो फिश का स्किन ऐसे चिकना है, इस टाइप का फिश जब भी आप फ्राई करेंगे तो थोड़ा से कम तेल में फ्राई कीजिए और ढक के फ्राई कीजिए, नहीं तो ये बहुत फूटने लगता है, तो फूट के आपका शरीर पे आ जाएगा। एक साइड होने के बाद मैंने पलट दिया। देखिए, ये भी दोनों साइड फ्राई हो गया। अब हम इसे निकाल लेते हैं। उसी कढ़ाई में और थोड़ा तेल डाल दिया। अभी जीरा और तेजपत्ता इसमें छौंक लगाना है और सारे सब्जी हमने अभी डाल दिया। सब्जी को थोड़ा से मिला लेने के बाद इसे हमें नमक, हल्दी और मिर्ची डाल के इसे धीरे धीरे फ्राई करेंगे। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला जल ना जाए, फिर पानी डाल के और थोड़ा फ्राई करेंगे। सब्जी सारे मसाला के साथ फ्राई हो गया। अब हम हिसाब से पानी डालेंगे, पानी डाल के 10 मिनट उबालेंगे। देखिए, सब्जी बॉईल होने लगा और गल चुका है, तो अब हम इस पे फिश डाल के और भी 2 मिनट कुक करेंगे। ये सब्जी होने वाला है। मैंने अभी 1 चम्मच इसको जीरा पाउडर डालेंगे, भुना हुआ जीरा। जीरा और तेजपत्ता को मैंने भून लिया था, तो 1 टीस्पून। इसे और 2-3 मिनट कुक करना है। अभी हमारा सब्जी रेडी है। उतारने के टाइम में आप थोड़ा से नमक चेक करके देखना। अभी हम इसे एक बॉल में निकल लेते हैं, गैस ऑफ कर देते हैं। ये देखिए, सिंग मच्छी झोल रेडी। ये फिश बहुत ही टेस्टी है, इसमें इतना मसाला डालने का कोई ज़रूरत ही नहीं। आज मेरे रेसिपी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज इतना ही, फिर मिलते हैं और एक रेसिपी के साथ। बाय।